तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिलेबस से। आपको सीबीएसई प्रिस्क्राइब कर रहा है कुछ 15 पीरियड्स चैप्टर वन के लिए। चैप्टर वन इज अ पार्ट ऑफ यूनिट वन। तो यूनिट वन में क्या क्या आ रहा है? एक मिनट, बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है। यूनिट वन में आपका आ रहा है यूनिट वन। यूनिट वन के अंदर आपके पास आएगा चैप्टर वन एनसीईआरटी का और चैप्टर टू एनसीईआरटी। ये दो चैप्टर है, ठीक है? और जिन लोगों के जो आईडीज हैं, जैसे दीपक, तुम्हारा आईडी इसको तुरंत चेंज कर लेना, क्योंकि आज से अटेंडेंस जाएगी ना, तो डॉग लवर दीपक लिखा रहेगा उसमें, तुम्हारे पेरेंट्स के पास जब पहुंचेगी अटेंडेंस। थोड़ा ध्यान रखो, अपने ही नाम पे रहे आईडी। तो चैप्टर वन का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस और चैप्टर टू का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये दो चैप्टर हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये भी हम पढ़ने वाले हैं और इसके जस्ट बाद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ऑर्डर बिल्कुल सही है इस चैप्टर का कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन एंड फंक्शन के बाद में उनकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगला लिख रहा हूँ, ठीक है? दोनों को ही प्रिस्क्राइब किए गए हैं, बराबर 15-15 पीरियड्स दिए गए हैं, ठीक है? तो ये भी 15 पीरियड्स के लिए है और ये भी 15 पीरियड्स। और मार्किंग इस पूरे यूनिट की, यूनिट वन की मार्किंग जो है वो 10 मार्क्स। टेंटेटिव बता रहा हूँ कि ये चेंज होता रहता है, मैथ्स मैथ्स में फिक्स नहीं रहता, फिर भी मैक्सिमम 10 मार्क्स का। ये जब भी मैं बोलूँ मैक्सिमम हुआ करता है ना, मैक्सिमम 10 मार्क्स का है। अब इसके 15 पीरियड्स हैं, तो हम इतने 15 लेक्चर्स तो नहीं लेंगे इस पर, क्योंकि इतना ज्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन यदि एक्सरसाइज वगैरह मिला ली जाए इस पर, एडिशनल क्वेश्चंस मिला ली जाए, तो 15। अब रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर आता क्या क्या है? चैप्टर वन रिलेशन एंड फंक्शंस, इसमें सीबीएसई क्या क्या पूछना चाह रहा है। ध्यान से यदि आप पढ़ोगे चैप्टर के कुछ टॉपिक आप खुद ही डिलीट कर सकते हो, कि उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है? क्योंकि पढ़ाते समय मैं ये ध्यान रखूंगा कि मैं 11th की चीजें भी बताऊंगा, तो आप सिलेबस का ध्यान रखिएगा कि जहां से सिलेबस का आ जाए उसको बोर्ड के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पढ़ने। स्टार्ट होता है ये टाइप्स ऑफ रिलेशंस, तो रिलेशन से स्टार्ट ना होके टाइप्स ऑफ रिलेशन से स्टार्ट होता है, क्योंकि रिलेशन वाला पार्ट जो है आप 11th क्लास में पढ़ चुके। अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें कितने रिलेशंस लिखे हैं? इसमें एक लिखा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये सारे रिलेशंस के टाइप्स हैं, ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, ठीक है ना? और लास्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। सिलेबस में नाम से लिखेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। तो हम एक एक करके इसको समझेंगे। तो ये तो था पहला पार्ट। अब इसके बाद दूसरा पार्ट इसके अंदर शुरू होता है फंक्शन में। क्या पढ़ेंगे? क्योंकि फंक्शन भी पिछले साल पढ़ चुके हैं, तो फंक्शन में पढ़ेंगे वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन, ऐसा लिखा है आपके सिलेबस, ठीक है? कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, बिल्कुल क्लियर समझना। तो सिलेबस डाउनलोड करके अगर आप पढ़ रहे हो, तो ये ध्यान रखा कि कौन से ईयर का डाउनलोड किया है, किसी किसी सिलेबस में कुछ कुछ चीजें डिलीटेड है, ठीक है? कंपोजिट फंक्शन और एमपी बोर्ड का तो कुछ भी डाउनलोड मत करना, इस वजह से क्योंकि एमपी बोर्ड का जो कुछ भी हुआ था वो सब पिछले साल का, ठीक है? और ये अब स्ट्रिक्टली जो सीबीएसई का रहेगा वही फॉलो करेंगे। अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ पढ़ के देख लिया होगा, इस बात को समझ। फिर कंपोजिट फंक्शंस के बाद अगला जो टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो आप देखोगे रिलेशन से ज्यादा बड़ा पार्ट फंक्शन था,
इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इसी वजह से उसने 15 लेक्चर दिए हैं। ठीक है, फंक्शन को काफी डिटेल में पढ़ा गया, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इसके बाद एक नया टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। अभी तो ये आपको 12th में बहुत ईजी लगेगा, लेकिन इसके लिंक है हायर मैथमेटिक्स में, तो आपको कुल मिला के ये चैप्टर काफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। स्पेशली आप यदि इंजीनियरिंग भी करें, MBA भी करें अगर आगे चलकर, तो ये सारे टॉपिक आपको लगने वाले हैं, है ना, एज ए सब्जेक्ट मैटर आपकी कोर्स स्टडी में ही आएंगे सीधे सीधे इन्हीं नामों से, तो ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या है आपका सिलेबस देख लीजिए, आपको पढ़ना है सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला पार्ट जो है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन। इसके बाद में आपको मालूम होना चाहिए 1-to-1 फंक्शन क्या है और ऑन टू फंक्शन क्या है। ठीक है, फिर एक कंपोजिट फंक्शन, और कंपोजिट फंक्शन की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती है सर, लेकिन ये प्रोसेस है जिसको हम सीखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन बनते कैसे। इसके बाद इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इसकी भी डेफिनेशन है, बाइनरी ऑपरेशन इसकी भी। अब जो एमपी बोर्ड की मार्किंग है, अगर हम उसको समझें कि वो वन सेंटेंस वाले क्वेश्चंस भी रख रहे हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी रखते हैं, अब इस साल तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, लेकिन अभी भी लास्ट मोमेंट पर वो अलग अलग कर सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि जितनी भी चीजें मैंने हाईलाइट की, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, 1-to-1, ऑन टू, कंपोजिट, इनवर्स और बाइनरी, इनकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर पता नहीं है तो फिर वो आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है, आप एक क्वेश्चन में मतलब सीधे सीधे आपको 2 नंबर का नुकसान हो सकता है यही पेपर, क्यों, क्योंकि मार्किंग स्कीम के हिसाब से, मार्किंग स्कीम में भी थोड़ा सा एमपी बोर्ड और सीबीएसई में अंतर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा कंबाइंड देते हैं मार्किंग स्कीम सीबीएसई में, और एमपी बोर्ड में चैप्टर वाइज चलती है, 10 मार्क्स अलॉट किए हैं तो ओवरऑल तो 10 ही आएंगे। अब ये हो सकता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ज्यादा दे दें एमपी बोर्ड में और रिलेशन एंड फंक्शन को कम दें, लेकिन आप कुछ भी मान के चलो 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है ना। ठीक है ना, अब अगर वो ऑब्जेक्टिव भी रख देते, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछेंगे इस चैप्टर से, ऐसा भी बोल दिया जाता है, देन ऑल्सो 1 मार्कर और क्वेश्चन जो है 1 सेंटेंस वाला आपका ऑब्जेक्टिव भी बनता है, उसमें ये डेफिनेशन आ सकती है। तो डेफिनेशन से हमको स्टार्ट, अब मैं चैप्टर यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ रिलेशन से मैं इसके पीछे से स्टार्ट करूंगा, ताकि आपको सारी चीजें समझ में, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पर किसी को सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, छोटा सा भी डाउट हो सिलेबस से रिलेटेड। मैं आगे बढ़े, आवाज आ रही, ओके, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं कौन सा है, वो ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, यहां से स्टार्ट करता है, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, अब नाम से ही समझ में आ रहा है ना, इसमें पेयरिंग हुई है, जोड़ा जिसको बोलते हैं, तो दो चीजें होंगी, तो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे, पूरा नाम लिख देता हूं, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। अब जिसने कल की क्लास अटेंड की हो उसको रियल नंबर मालूम होंगे, तो मैं एक बार 2 लाइन के अंदर कंप्लीट कर देता हूँ। नेचुरल नंबर तो समझते हो, काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसके अंदर 1, 2, 3 इस प्रकार के काउंटिंग नंबर्स आते हैं, इसमें 0 को इंक्लूड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, होल नंबर। ठीक है, केवल 0 इंक्लूड। अब यदि जितने ये पॉजिटिव नंबर्स दिख रहे हैं इन सबके नेगेटिव, जिनको हम एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है, एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं, उसको इंक्लूड कर दें जेड एन, तो 0 तो है, +-1, +-2, +-3, ये इंक्लूड कर दें तो ये कहलाएंगे इंटीजर्स। ठीक है, अब अगर इसके बाद ये तीनों चीजों को मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ एक बड़े सेट में, देखो नेचुरल नंबर के अंदर ऑटोमेटिकली 1, 2, 3 तो था, मतलब होल नंबर के अंदर ऑटोमेटिकली नेचुरल नंबर आ रहे थे, और इंटीजर्स के अंदर सारे होल नंबर आ रहे थे। अब लेकिन मैं एक बड़ा सेट बनाऊंगा, उस सेट को मैं दिखाऊंगा
क्यू से। क्यू मतलब रेशनल नंबर्स। तो इसमें मैं सारे इंटीजर्स लूंगा और उनके डेसिमल फॉर्म्स लिखूंगा, मतलब सारे इंटीजर्स लूंगा नंबर लाइन के हिसाब से। समझाऊंगा आप, ये है आपकी नंबर लाइन, तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है, ये जीरो है और ये वन टू ऐसे पढ़ रहा है, ये माइनस वन माइनस टू इस तरफ से ये प्रोसीड कर रहा है। तो अभी तक क्या कर रहे थे हम, बस ये जो पॉइंट्स बीच बीच में आ रहे हैं ना, कौन से पॉइंट्स, जीरो वन टू, इन्हीं को ले रहे हैं, पूरी नंबर लाइन ही ली जाएगी। ध्यान से देखना, बीच में ये जो ब्लू गैप्स हैं ये छूट रहे हैं। अब इनमें गैप्स में जो नंबर्स हैं ये मैं उनको भी इंक्लूड करना चाहूँ तो मुझको उसको डेसिमल फॉर्म में इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे कि जीरो और वन के बीच में जो नंबर है, जैसे 0.1 हुआ, ठीक है, 0.2 हुआ, 0.3 हुआ। अब कोई, मैंने अभी डेसिमल का एक प्लेस लिया है, ऐसे 0.11, 0.12 ऐसा भी हो सकता है, और 3 प्लेस तक भी जा सकता है, 4 प्लेस तक। बहुत सारे नंबर्स हैं इस इंटरवल में, यहाँ वाला जो इंटरवल है इसमें बहुत सारे नंबर्स, ऐसे इस वाले इंटरवल में बहुत सारे नंबर्स हैं। ये 2 नंबर के बीच का जो गैप होता है उसको हम इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। तो इस इंटरवल में काफी सारे नंबर हैं, तो मैं ये जो पॉइंट्स थे जो अलग अलग पड़े हैं तो इसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट पॉइंट। तो मैं ये डिस्क्रीट पॉइंट्स को भी लेना चाहता हूँ और इन डिस्क्रीट पॉइंट्स के बीच में जो इंटरवल्स बन रहे हैं उन नंबर्स को भी लेना चाहता हूँ। तो वो सारे नंबर्स को मैं डेसिमल फॉर्मेट में इंक्लूड करूँ। डेसिमल का मतलब क्या होता है समझो, डेसी का मतलब होता है, यदि आपने वॉलीबॉल कभी खेली हो तो या बैडमिंटन खेला हो तो आप स्कोरिंग देखते हो तो आपने ऐसा लिखा कि 15 लव से हार गए, है ना, 15 मार्किंग होती है ना बैडमिंटन में, और लव बोलते हैं, लव मीन्स होता है 0 पे। ये देखो हिंदी में इसको मैं करता हूँ डेसिमल को, ध्यान से देखो, दशम लव बोलते हैं, ठीक है। इससे क्लियर समझ में आता है कि दशम मीन्स डेसिमल, लव मीन्स 0। तो दशम मीन्स 10, तो 10 वन अपॉन 10, वन अपॉन 100, वन अपॉन 1000 ऐसा करने वाले। ये जो इंटरवल है इस इंटरवल का गैप कितना है, 0 और 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आप बताओ, 1, 2 और 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 1। यही खासियत होती है नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, इन 3 में होती है खासियत बस, कि इनमें जो है जो 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनके बीच का गैप जो है वो कांस्टेंट होता है एंड दैट इज इक्वल टू 1। फिर से सुनो बात को, कि जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या इंटीजर है, इसमें यदि हम 2 पास पास के एडजेसेंट नंबर में, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में, तो उनका जो गैप होता है, उनका जो गैप होता है वो 1 होता है, ठीक है। अब इसलिए इन सेट्स में आपने पढ़ा होगा सक्सेसर और प्रीडिसेसर भी पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। सक्सेसर और प्रीडिसेसर देखो आप ध्यान से, +1 और -1 कर देते, सक्सेसर अगला निकालना है तो +1, प्रीडिसेसर पिछला निकालना है तो -1। तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच का गैप कितना है, 1 है। अब हम इस गैप 1 के कितने टुकड़े करना चाह रहे हैं, 10 की पावर में, तो ये 10 की पावर 1 है तो कितने टुकड़े होंगे, 10। 10 की पावर यदि मैं 2 लिख दूं तो कितने टुकड़े हो जाएंगे, 1000, सॉरी 100, और 10 की पावर 3 कर दूंगा तो 1000। तो डेसिमल सिस्टम का मतलब यही होता है कि जो इंटरवल का गैप है उसको हम, जो इंटरवल का गैप है उसको हम कितने टुकड़े में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है डेसिमल सिस्टम। अब ध्यान से सुनिए, तो इसको डिवाइड करने से इसके बीच में जो नंबर्स आएंगे उनको हमको रिप्रेजेंट करना है, तो डेसिमल फॉर्म में तो रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा कठिन होता है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे p/q फॉर्म रहेंगे वो डेसिमल ही। फॉर एग्जाम्पल समझो, जिसको आप 1.5 लिखते हो उसको आप कई तरीके से लिख सकते हो, तो 15/10 लिख सकते हो, एक 3/2 लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं, और भी कई तरीके हैं इसको लिखने के। तो जो भी डेसिमल हमें मिलेगा इस फॉर्मेट का, 1.5 क्या है, ये 1 था, ये 2 था, 1 से लेके 2 के बीच का जो गैप था उसके 10 टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो क्या हुए, 1.1, हर एक गैप 0.1 का हुआ, 1.2,
1.3, 1.4 और हमें फिर मिला 1.5। इस 1.5 को मैंने एक्सप्रेस किया p बाय q फॉर्म में, तो ये आया 3 बाय। इसमें ये जो p और q है ये इंटीजर्स होना चाहिए और ये q जो है जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। तो यहां तक क्लियर हो गया अपने को, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के अलावा एक प्रकार, रैशनल नंबर के जब डेसिमल्स की स्टडी करी आपने 10th क्लास में, तो आपने देखा कि या तो ये टर्मिनेट हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग है ना, या ये रिपीट करने लगते हैं, तो आप इसको बोलते हो रीअकरिंग, ठीक है कि नहीं। तो ये दो प्रकार के डेसिमल क्वालिटीज पाए जाते हैं इसमें। अब इसके अलावा भी कोई नंबर बच रहा था, देखो हमने सोचा कि हम तो डिवाइड करते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, एक बार 10 से डिवाइड किया, एक बार फिर हमने 100 से किया, फिर 1000 से किया, तो कंटिन्यूअसली हम तो डिवाइड करते जा रहे हैं, तो कोई नंबर बचेगा नहीं। लेकिन डेसिमल से डिवाइड करने के बाद हमारे कुछ नंबर्स बच जा रहे थे, और वो नंबर्स ना तो टर्मिनेट हो रहे थे ना रीअकर हो रहे थे वो डेसिमल्स, तो इसलिए उनको बोला रेशनल नहीं है वो, वो क्या है इरेशनल। वजह ये है कि वो इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल नहीं। आप कभी भी किसी भी इरेशनल डेसिमल को, जैसे कि पाई होता है 3.141519 ऐसे चलते जाता है, इसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो तो हम कैलकुलेशन करने के लिए 22/7 लिख देते हैं, लेकिन ये जो 22/7 ये रेशनल नंबर है, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये रिकर करने लगता है, आप देखिएगा वो रिकर करने लगता है, लेकिन ये जो पाई है ये रिकर नहीं करता, तो पाई जो है इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर की वैसे भी हम कैलकुलेशन कर नहीं पाते, इसलिए हम पाई ना ले, पाई की वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू वो ना लेके 22/7 लेने लगते हैं, ताकि हम कैलकुलेशन कर सकते। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, इनफैक्ट जितने भी रूट टाइप के नंबर हैं, जैसे रूट टू, रूट थ्री, और अभी ये जो रूट है इस रूट में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है टू, इसकी रूट की यहाँ पर क्या लिखा हो सकता है थ्री भी लिखा हो सकता है, फोर भी लिखा हो सकता है। तो एक्चुअली में यदि हम इसको कन्वर्ट करें तो ये ऐसा लिखा आएगा 5 की पावर 1/3, ये सब आपका पढ़ा हुआ है। इसको लिखूंगा मैं 2 की पावर 1/2, नीचे वाले 3 को लिखूंगा 3 की पावर 1। तो जब भी फ्रैक्शनल पावर आएगी तो आप समझ लेना निगेटिव भी हो सकती है, मतलब जब पावर, आप ये समझ लो पावर पे रेशनल नंबर आ जाए, ठीक है, पावर पर क्या आ जाए रेशनल नंबर आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि फिर तो इरेशनल नंबर बनेगा, क्योंकि जो डेसिमल निकलेगा वो ना टर्मिनेट करेगा ना रिकर करेगा। तो इन दोनों को जब मिला देते हैं, ये दोनों प्रकार के नंबर, ये भी नंबर 9 में ही है। यहाँ पर आपने 9th क्लास में मेरे ख्याल से पढ़ा होगा कि रूट टू को आप लोकेट करते हो नंबर लाइन के ऊपर, तो आप ऐसे ग्राफ बनाते हो और फिर एक आर्क काटते हो, फिर वो आर्क जो है 1 और 5 के बीच, ठीक है ना, 1 और 1.5 के बीच में जाके कहीं कटता है, ठीक है, और ये रूट टू की वैल्यू निकलती है। ये सब किया है आपने, इससे ये प्रूव होता है कि ये जो इरेशनल नंबर था ये भी इसी नंबर लाइन में इन इंटरवल्स के बीच में घुमा हुआ था, लेकिन क्या है डेसिमल सिस्टम की वजह से, डेसिमल सिस्टम की वजह से उसको हम ढूंढ नहीं पाए। अब हकीकत तो ये है कि डेसिमल सिस्टम की वजह जगह कोई और सिस्टम भी होता है, जैसे कि इंडिया में जो चलता था सिस्टम, ये डेसिमल सिस्टम जो है ना फ्रेंच सिस्टम, बावजूद इसके कि जीरो की खोज इंडिया ने की है, लेकिन डेसिमल सिस्टम का क्रेडिट मिला फ्रांस को, और इंडिया नहीं तो सेक्साडेसिमल सिस्टम यूज करता था जिसमें 6 से डिवाइड करते हैं, हर चीज को 6 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है कि नहीं। तो आपने टाइम और डिग्री दो चीजें देखना, टाइम जो 24 आवर की स्केल चलती है वो, और जो एंगल्स चलते हैं हमारे वो अभी भी सेक्साडेसिमल सिस्टम से ही चलते हैं, ठीक है, जिसमें 6 के मल्टीपल से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। 24 आवर्स को देखो आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपको 4 पहर मिल जाएंगे, ये पहर बोलते थे, तो एक पहर की चौकीदारी एक पहरेदार करता था, इस प्रकार का सिस्टम चलता था, तो इसको बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। विदेशों में एक सेंटेसिमल सिस्टम भी चलता था, सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है 100 के मल्टीपल से किया जाता है, फिर फ्रांस वाला आया डेसिमल सिस्टम, ठीक है, इस प्रकार से चले। ये तो बहुत ज्यादा थ्योरी हो गई, अभी हम बस इतनी बात समझते हैं कि अगर हम इस रेशनल नंबर को और इस इरेशनल नंबर को मिला दें तो हमको क्या मिल जाएगा रियल नंबर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सभी को, किसी को कोई डाउट पूछना है इसमें तो पूछ लो, आगे बढ़े। इंशा समझ में आ रहा है?
जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है आंसर? चलो ठीक। अब ध्यान से सुन, ये आर से दिखाते हैं हम इसको, दोनों को मिला के बोल देते हैं रियल नंबर। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में नेचुरल नंबर का नोटेशन बता दिया, होल नंबर का बता दिया, इंटीजर का बता दिया, ठीक। लेकिन इसके बाद मैंने रेशनल नंबर का बताया, इरेशनल का ना बता के सीधे मैं रियल पे आ गया। इरेशनल का मैंने टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की। कुछ बता सकता है इरेशनल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखो, अगर सेट थ्योरी जो हमने 11th क्लास में पढ़ी उससे पढ़े, ये है आपका पूरा बड़ा सेट जिसको यूनिवर्सल सेट बोलते हो, तो यूनिवर्सल सेट हमने मान लिया रियल नंबर, ठीक है, सबसे बड़ा सेट। इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा होगा, ठीक है। अब साइज पे मत जाना कि मैं इतने बड़ा साइज क्यों बनाया, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि ये हमारा क्यू है, इतना हिस्सा क्यू है। अब बचा हुआ ये जो हिस्सा है, ठीक है, अब ये मैं पूरा कलर करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे कि ये जो अंदर बाहर का शेडेड रीजन है, तो ये रियल नंबर लेकिन ये रैशनल नहीं है, तो ये इरेशनल हुआ। तो इसको बोलेंगे हम, ये जो शेडेड रीजन है, दिस वुड बी कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। अब ये जो इरेशनल नंबर है, बात को ध्यान से समझना, ये जो इरेशनल नंबर है इसको रिप्रेजेंट करने का सेट थ्योरी में तरीका है कि यूनिवर्सल सेट का मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। अगर एक तरीका तो ये है, आर माइनस क्यू ले लो, ऐसा कर दो आप, ठीक है। दो सेट भी माइनस होते हैं, तो रियल नंबर के सेट में से यदि मैं रेशनल नंबर का सेट निकाल लूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की अलग से कोई नोटेशन ना होके एक हुई आर माइनस क्यू। या दूसरा तरीका ये है कि मैं इस क्यू का कॉम्प्लीमेंट निकाल लूं, इसको ऐसा लिखूं क्यू डैश। क्यू डैश का मतलब भी यही हुआ जो ऊपर है, कि इस यूनिवर्सल सेट आर में से क्यू को हटाने के बाद जो बचता है, तो यदि मैं किसी तरीके से इस क्यू को रिमूव कर दूं, ये रिमूव कर दिया मैं, अब जो आपको दिख रहा है वो क्या है, केवल क्यू डैश है। और इसको पुराने टीचर क्यू सी से भी लिख के दिखाते थे, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट। कौन कौन, क्यू और क्यू डैश, क्योंकि इन दोनों की जब आप यूनियन कर दोगे, मिला दोगे, तो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट। क्यू का कॉम्प्लीमेंट क्यू डैश और क्यू डैश का कॉम्प्लीमेंट, तो डैश डैश कैंसिल क्यू हो जाए, तो क्यू डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्यू आएगा। तो क्यू और क्यू डैश का जो यूनियन हुआ दैट इज नोन एज रियल नंबर। तो आप चाहो तो इसको क्यू डैश से दिखा दो, या मुझे ज्यादा अच्छा लगता है आर माइनस क्यू से, क्योंकि क्यू डैश लिखने पर क्या हो रहा है, यूनिवर्सल सेट तो डिफाइन नहीं हो रहा ना कि इसका यूनिवर्सल सेट है क्या, इसलिए आर माइनस क्यू क्लियरली लेकिन बता रहा है कि ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये थी बात। तो ऑर्डर्ड पेयर पढ़ने से पहले देखो, यदि ये चीज मैं नहीं पढ़ाता और सीधे बता देता कि भाई चलो ठीक है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर, तो आप अपने दिमाग में रियल नंबर को उस एग्जैक्टनेस के साथ क्लिक नहीं कर पाते जितना अब आपको समझ में आ रहा है। तो मेरे को अब क्या करना है, दो रियल नंबर लेना है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ, तो एक एक करके वर्ड पे चलेंगे, पेयर मतलब दो नंबर लेना। तो रियल नंबर का एक सेट है अपना, ये सेट हो गया रियल नंबर, इसके अंदर से दो नंबर लेना है। कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर डिस्टिंक्ट हो, एक होता है मैथ में शब्द डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि दो नंबर लिए मैंने ए और बी, दे आर नॉट इक्वल। और दूसरा शब्द यूज करते हैं आइडेंटिकल, आइडेंटिकल अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ ए इज इक्वल टू बी, तो दोनों ही शर्तें वैलिड हैं। आप पेयर बनाते समय दो नंबर जो लेना चाह रहे हो, शर्त ये है कि ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर। इसको मैथ्स में ऐसे लिखते हैं कॉमा लगा, एंड वगैरह भी नहीं लिखते, कॉमा लगाते जाते हैं। पांच नंबर है तो पांच में कॉमा लगेगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए एंड बी, पूरी इंग्लिश इसकी हुई ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा बोलेंगे। इतना तो हम बोलना नहीं चाहते, इसलिए मैथ में बहुत ही एग्जैक्टनेस के साथ लिख दिया जाता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब दो बातें होंगी, या तो ए बराबर होगा बी के,
या ए बराबर नहीं होगा बी के, इसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना, बड़े अजीब अजीब से नियम है। एक लॉ होता है, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, ठीक है। अब नाम से कितना अजीब लग रहा है, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, लेकिन ध्यान से समझो, इन दोनों में से एक ही बात ट्रू हो सकती है। ये दोनों कंडीशन जो है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और जो चीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब एक आ गया तो दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। दो लोग हैं, ठीक है, फूफा जी टाइप कि भाई शादी में जी वो आएंगे तो फिर वो नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो भाई फूफा जी से ब्राह्मण मान जाना, वो जनरली टर्म यूज करते ही है ना कि फूफा जी गुस्सा आ जाता है शादी, तो ए या तो बराबर हो बी के या फिर ए बराबर नहीं हो बी के, ठीक है। तो ये दो में से एक ही कंडीशन होगी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर ए इक्वल्स टू बी है तो बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं। तो ये तीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, कोई से भी नंबर हो, ए एंड बी कोई से भी दो नंबर है, रियल नंबर के लिए भी वैलिड है। चलो अभी तो अपन रियल नंबर से ऊपर नहीं जाते हैं, तो मैं ये लिख भी देता हूँ, ए और बी रियल नंबर, और रियल नंबर के अंदर तो सब आते हैं, तो छोटे नेचुरल वगैरह सबके लिए, रियल नंबर से छोटे जितने भी सेट हैं उनके लिए वैलिड। तो या तो ए बराबर होगा बी के, या ए बड़ा होगा बी के, या ए छोटा होगा बी के, ये तीन कंडीशन होती हैं। तो इसको बोलते हैं, इन तीन में से एक चीज होगी तो ट्राइकोटोमी, इन तीनों में से कोई एक चीज वैलिड है और ऑटोमेटिकली बाकी की दो इनवैलिड है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। तो यहां पर क्या है, या तो ये डिस्टिंक्ट पेयर होगा या ये आइडेंटिकल होगा। तो आइडेंटिकल होगा तो डिस्टिंक्ट नहीं हो पाएगा, डिस्टिंक्ट होगा तो आइडेंट, अलाउड दोनों कोई सा भी लगे। अब इसमें ये तो था पेयर, पेयर में ऑर्डर्ड पेयर जब होता है, देखो पेयर तो ऐसा है, दो पेयर बन रहे हैं ए और बी और बी और ए, ये दो परम्यूटेशन बन गए, परम्यूटेशन तो समझते ही ऑर्डर है ना। तो लेकिन ऑर्डर्ड पेयर यदि मैं बोलूंगा तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पर जो आएगा और सेकंड पोजीशन पे जो आएगा वो फिक्स है। मतलब अभी ऑर्डिनरी पेयर में ऐसे हो सकता है कि ए कॉमा बी बराबर हो जाए बी कॉमा ए, ठीक है। ये हस्बैंड वाइफ की तरह, हस्बैंड वाइफ फोटो खिंचा रहे हैं, तो फोटो क्लिक करते समय हस्बैंड लेफ्ट में खड़ा हो सकता है, वाइफ राइट में खड़ी हो सकती है, ऐसा कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। तो ये दोनों यदि अपनी फोटो क्लिक करा रहे हैं तो कोई भी कहीं पर भी खड़ा हो सकता है। बट अगर यही बात ऐसी हो जाए कि फॉर एग्जाम्पल ये फिक्स हो जाए कि लेफ्ट पोजीशन वाइफ की है और राइट पोजीशन हस्बैंड की, देन दिक्कत हो जाएगी। तो ये बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर, तो ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें पहली एंट्री, इसको बोलते हैं, कई शब्द हैं, एंटीसीडेंट बोल सकते हो आप इसको, एंटीसीडेंट पहले वाला, ठीक है। और जो दूसरा वाला होता है उसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, जो बाद में आएगा, ठीक है। अब ये शब्द याद रखने की जरूरत नहीं है, एंटी मतलब पहला और कॉन्सिक्वेंट मतलब बाद का, बस इतना है। इन सब शब्दों को याद रखोगे तो कोई मतलब नहीं, पहले यूज हुआ करते, ठीक है। तो ये ए कॉमा बी बन गया। अब ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, इसमें एक इंफॉर्मेशन होती है जिस वजह से ये ऑर्डर रहता है, कि ये पहला वाला इस दूसरे वाले से फंक्शन वाइज अलग होगा। जैसे कि यदि हमने फिक्स कर लिया कि ये हस्बैंड वाइफ में से कोई एक कुक है, और जो कुक है घर को मतलब जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज देखेगा वो फर्स्ट होगा, तो ए कॉमा बी और बी कॉमा ए बराबर नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि फोटो में वो दोनों सेम है, ठीक है कि नहीं। जैसे राम और उसकी वाइफ सीता, ठीक है, इसमें साफ दिख रहा है कि घर का खाना राम बनाएगा, सीता नहीं बनाएगी, और यहाँ पर सीता एंड दैट यहाँ पर राम। तो यहाँ पर जो पहला होगा वो कुक होगा, तो भाई रिलीजियसली इसको कनेक्ट मत करना, छोटी स्पेलिंग वाले नाम दिए मैंने बस। तो आप बस इतना ध्यान रखो कि जो वाइफ है वो ये है, लेकिन पहले केस में वाइफ कुक नहीं है और दूसरे केस में वाइफ कुक है। तो कहने का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर तभी बनेगा जब उसके पीछे कोई रीजन होगा, बिना रीजन के ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनते हैं, ठीक है। तो अब हम कल इसके आगे स्टार्ट करेंगे, ये रिकॉर्डिंग पहले मैं बंद कर देता हूँ।